हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी भावना, आपकी होम किचन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। सो अभी आप देखेंगे फेस्टिवल सीजन आ गया है एंड इवन शादियाँ भी स्टार्ट होने वाली है। सो हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम ट्रेडिशनल आउटफिट वियर कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर किस तरह की बेल्ट वियर करनी चाहिए। तो आज आपके लिए मैं एक हॉल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने ₹1000 के अंदर 3 बेल्ट्स ली हैं जो हम किसी भी ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ, चाहे वो हमारा सूट दुपट्टा हो, चाहे हमारा लहंगा हो, चाहे हमारी साड़ी हो, या साड़ी में अगर आप लेना चाहें कोई भी रेडी टू वियर साड़ी, या आप साउथ इंडियन साड़ी वियर कर रहे हैं तो उस पर हम वो बेल्ट वियर कर पाएं। तो इतनी ब्यूटीफुल बेल्ट हैं। तो चलिए जल्दी से मैं अपना हॉल आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कोई भी बेल्ट आपको पसंद आती है तो आप नीचे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों के ही लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाके इनको बाय कर सकते हैं। तीनों के तीनों ही मैंने अमेजन से बाय किए हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारी सबसे पहली बेल्ट है वो आप देखेंगे ये है, ये गोल्डन कलर में है एंड ये आपके वेस्ट पे इजीली एडजस्ट हो सकती है। आपका साइज चाहे कोई भी हो, XL, XXL, तीनों ही बेल्ट आप पे आराम से फिट हो जाएंगी। पीछे यहाँ पर चेन दी हुई है कि आप अपनी वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हुक दिया हुआ है जिससे बहुत ही आसानी से आप इसको पहन भी सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेच हो जाती है एंड इसको आप आराम से अपने किसी भी आउटफिट के साथ वियर कर सकती हैं। एंड ये 1000 के अंदर तीनों बेल्ट हैं तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका बस जो आपको देखना है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक रैपिंग दी हुई है। जब आप इसको अपने घर पे ऑर्डर करें तो जब आपको वियर करनी है, आपको ये जब भी निकालना है इसको स्टोर आराम से करिएगा, वरना इस पर स्क्रैचेज आ सकते हैं क्योंकि आई थिंक इसके ऊपर एक्रिलिक पेंट किया गया है, जो हमारे एक्रिलिक ग्लास पेंट आते हैं तो उस तरह से कुछ पेंट किया हुआ है, तो ये निकलने का खतरा रहेगा। तो आप इसको आराम से संभाल के रखिएगा। जो हमारी दूसरी बेल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, अगर आप गाउन वियर कर रहे हैं उसके साथ भी आराम से चली जाएगी। आप देखेंगे इस तरह का फ्लावर पैटर्न इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें स्प्रिंग डिज़ाइन दिया हुआ है जो आप किसी भी वेस्ट लाइन पर आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको वियर करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इस तरह से हुक दिया हुआ है, आपको इस तरह से इसको अटैच करना है। तो ये भी आप किसी भी आउटफिट पे पहन सकते हैं, इवन वेस्टर्न पे भी इसे कैरी कर सकते हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन इतना प्रिटी है। अगर आप कोई वेस्टर्न गाउन पहन रहे हैं तो उस पर भी आप इसको आराम से कैरी कर पाएंगे। एंड इसकी अगर देखने की बात करें तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको आराम से नॉर्मली स्टोर करिएगा तो ये लॉन्ग टर्म चलेगी। ऐसे ही सेम स्प्रिंग डिज़ाइन में आपके लिए थर्ड बेल्ट लेके आई हूँ जो कुछ इस तरीके की है। अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर लीफ पैटर्न दिया हुआ है जो इस तरह से लग जाता है एंड इसका आप देखेंगे तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है इसके लुक को। तो ये भी आप इस तरीके से अपनी वेस्ट लाइन पर वियर कर सकती हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। स्प्रिंग होने के कारण आप इसका कोई भी साइज़ हो आपकी वेस्ट का, आपके आराम से वेस्ट पर चली जाएगी एंड आपकी जो क्लोथिंग होती है उसको आराम से संभाल के रखते हैं। साड़ी को आपको वापस संभालने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप सूट्स पे यहाँ पर दुपट्टा कैरी कर रहे हैं उसके ऊपर आप इस बेल्ट को वियर कर सकते हैं। सो ये जो तीनों ही बेल्ट हैं ये ₹1000 के अंडर मिल जाती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं। गोल्डन कलर होने के कारण आप इसको किसी भी कलर के आउटफिट के साथ आराम से मैचअप कर सकती हैं। सो आई होप ये तीनों बेल्ट्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आप इनमें से कोई भी बेल्ट बाय करना चाहती हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे MHS स्टोर का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको क्लोथिंग मिल जाएगी, वहाँ पर आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जो पर्टिकुलर मेरी चॉइस के हैं। सो वो आप चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कुछ पसंद आता है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।